निशनो जी देख रहे हैं कि ग्वार कॉम्प्लेक्स भी आज टूटता हुआ नजर आ रहा है। ग्वार गम 5% का लोअर सर्किट लगा चुका है, वहीं ग्वार सीड के अंदर भी 4% से ऊपर का सर्किट लोअर सर्किट लग चुका है और 5800 के घरों में कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है ग्वार सीड का वायदा बाजार। तनु जी अब आपको क्या लगता है, क्या ग्वार गम और ग्वार सीड की एक रेंज सेट हो चुकी है कि 9000 और गम में 9000 के घरों में और फिर ग्वार सीड 5800 के घरों में कारोबार करता हुआ नजर आएगा और ऊपर में 10000 और 6200? देखिए ग्वार में हमने गिरावट आते हुए देखी है, मगर ये जो लोअर लेवल से यहाँ हम मान के चल रहे हैं कि खरीदारी का ट्रेंड देखने को मिल सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखें तो इंडस्ट्रियल डिमांड यहाँ पर बढ़ती हुई दिख रही है और अगर हम देखें तो भाव उस स्तर से ऑलमोस्ट नीचे करीबन 1000 रुपए की करेक्शन ले चुके हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर एक टेक्निकल बाइंग यहाँ पर आ सकती है और एक खरीदारी का मौका यहाँ पर देखने को मिल सकता है। हमें लगता है कि यहाँ पर ग्वार में खरीदारी करना चाहिए। हम देख रहे हैं कि आने वाले समय में भाव 6200 तक 6300 तक के लेवल ग्वार सीड में देखने को मिल सकते हैं। हालांकि हम देखेंगे आने वाले समय जब आवक स्टार्ट होगी तो कुछ सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, मगर तब तक फिलहाल हमें लगता है कि छोटी अवधि में एक बाउंस बैक भावों में आ सकता है। इंडस्ट्रियल डिमांड यहाँ देखने को मिली है और साथ में जो क्रूड के भावों में तेजी रही है उससे भी थोड़ा सा असर भावों को मिलता हुआ दिख रहा है। हमें लगता है कि यहाँ पर खरीदारी का ट्रेड वेरी शॉर्ट टर्म के लिए रखना चाहिए। 6200 तक के लेवल ग्वार सीड में देखने को मिल सकते हैं जी। तो यानी कि छोटी अवधि के लिए ग्वार कॉम्प्लेक्स के अंदर एक टेक्निकल खरीदारी निकल के सामने आ सकती है, तो उस छोटी अवधि के लिए ग्वार की कीमतों में खरीदारी करके चला जा सकता है।